Bye. <laughs> अलख आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज का मंत्र विधान बहुत सरल मंत्र भी बहुत सरल और बहुत उपयोगी है आज जो उपयोग और जो विधान मैं बता रहा हूँ वो सर्व सुरक्षा के लिए होगा सर्व सुरक्षा अर्थात आपका सुरक्षा आपके परिवार का सुरक्षा किसी भी तंत्र मंत्र प्रतंत्र से इस मंत्र से आप अपने घर का बंधन कर सकते बंधन करने से पहले इस मंत्र को सिद्ध करके अपने घर में इसका दशांश हवन करेंगे जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जी या जो भी तंत्र पर तंत्र होगा वो घर से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आप अपने घर का बंधन करोगे इस मंत्र से सिर्फ रक्षा नहीं मारन मोहन चटन वशीकरण सभी क्रियाएं कर सकते हैं मसान में प्रवेश के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग होता है लेकिन उसका विधान अलग होता है वो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी जो हमारे लिए जरूरी है वो है सुरक्षा तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या फिर अपने घर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे नौ दिन की, की ये साधना है इसको आप दिन या रात कभी भी कर सकते हैं रात में करें तो ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है ठीक है तो साधना जितनी शांत माहौल में आप करोगे उतना आपको फायदा है थोड़ी लंबी साधना चलेगी क्योंकि पांच माला इसका करना है आपको रोज माला कौन सा रहेगा माला रहेगा का। एक, एक छोटा चौकी उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे ठीक है लाल कपड़ा बिछा करके दो छोटे छोटे त्रिशूल जो बहुत छोटे त्रिशूल आते हैं मतलब दो उंगली भर का वैसा दो त्रिशूल लेंगे एक लोहे का और एक पीतल का ठीक है और दोनों को एक एक कांसे के लोटे में रखेंगे ठीक है तो पहले लोहा वाला जो आपका त्रिशूल है छोटा उसको कांसे के बर्तन में रख के उसमें काला उरद भर देंगे ठीक है और उसको स्थापित करेंगे उस लोटे के बाएं साइड में बाएं तरफ ठीक है आप चावल को लाल रंग के भरेंगे और उसमें फिर पीतल का आप एक त्रिशूल डालेंगे ये जो आपने काला उरद वाला त्रिशूल रखा ये भैरव का रूप है देखो भैरव का दो रूप माना जाता है एक तो जो साबर मंत्र करते हैं उनको मंत्र पता है भैरव भैरव काली के पूत ठीक है तो वो काली के पूत एक रूप है उनको आनंद भैरव भी कहते हैं और एक भैरव हम कहते हैं जो महादेव काली के पैर के नीचे विराज रहे हैं उनको भी भैरव कहते हैं तो ये उन भैरव का स्थापना है उस रूप में भैरव का स्थापना है और जो पीतल वाला त्रिशूल आप स्थापना करोगे वो काली का होगा ठीक है जो लोहे का त्रिशूल आपने स्थापना किया है उसके सामने आप चौमुखी दिया रखेंगे तिल के तेल का और जो आपने पीतल का दीपक स्थापित किया है वहाँ पर एक मुखी दी दीपक आप रखेंगे और उसमें घी डालेंगे ठीक है ये घी का व्यवस्था हो गया जो दीपक का व्यवस्था हो गया इसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि इस चौकी के राइट में मतलब आपको अपने लेफ्ट में अगरबत्ती या धूप जो भी आपको देना है वो जला के रख देना है बीच में स्वापाक मतलब खुद से बनाकर आप उरद डाल के बड़े रखेंगे पांच वो दोनों देवता और देवी दोनों के लिए होगा ठीक है देवता के पास आपको अलग से दही और गुड़ रखना है ठीक है और भगवती के पास अलग से आपको रखना है एक लाल फल ये पूरी व्यवस्था हो गई इसके बाद जब आप पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले दोनों को धूप दिखाएंगे इसका क्रम होगा पहले धूप दिखाएंगे फिर हम दीपक दिखाएंगे ठीक है इसके बाद हम पुष्प अर्पण करेंगे उसके बाद हम नवेद्य अर्पण करेंगे उसके बाद एक लोटे में जल रखेंगे और जल हम अर्पण करेंगे जब मैं बोल रहा हूँ अर्पण करेंगे इसका मतलब नहीं है कि उसके ऊपर डाल देना है सिर्फ हाथ से छू करके और बोला जाता है कि हे देवी हे देवता ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूं इतना करने के बाद आप मंत्र जाप के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक है इसमें वस्त्र का कोई भी डिस्कशन नहीं है क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक वस्त्र नहीं है आप कोई भी वस्त्र पहन के बैठ सकते हो किसी भी आसन पर बैठ सकते हो ध्यान रखना कभी भी साधना कॉटन के आसन पर नहीं होती है मैंने आजकल बहुत जगह देखा है कि सूती के कपड़े का आसन मिलता है बहुत अच्छा अच्छा वो अच्छा दिखता है लेकिन उस पर बैठ के साधना करने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है मंत्र सुनिए ओम कालिका खड़क खप्पर लिए थाड़ी जोत तेरी है निराली पीती भर भर रक्त पियाली कर भक्तों की रखवाली ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई ठीक है बहुत छोटा सा मंत्र है इसको आप लोगों को पांच माला एक बार बैठेंगे तो पांच माला इसको आपको करना है ठीक है फिर से मंत्र सुनिए ओम कालिका खड़क खप्पड़ लिए थाड़ी मतलब काली खड़क और खप्पड़ लेके खड़ी है जोत तेरी है निराली पीती भर भर रक्त पियाली कर भक्तों की रखवाली ना कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुआई मतलब जिस भैरव पर खड़ी हो ठीक है उस भैरव की दुहाई मंत्र बहुत ही सीधा है और भैरव और काली का जल्दी एक साथ इस रूप में मंत्र मिलता नहीं है ठीक है जब भी भैरव और काली का मंत्र होता है तो काली के पूत के रूप में भैरव का मंत्र होता है इसीलिए इस मंत्र को बहुत विशेष माना जाता है इस मंत्र को का बहुत महत्व जाने बिना भी, भी लोग इसका प्रयोग करते हैं लेकिन ये समझने वाली चीज है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति से आज तक के रक्षा का मंत्र है एक अंतिम बार मंत्र बोल रहा ध्यान से सुनना ओम कालिका खड़क खप्पर लिए थाड़ी ज्योत ते तेरी है निराली पीती भर भर रक्त प्याली कर भक्तों की रखवाली ना कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई एक बार जब नौ रात्रि कर लोगे तो दसवें दिन या दसवीं रात्रि इसका हवन करना इसमें जब हवन होगा तो दो बार में दशांश हवन होगा ठीक है पहली बार जब आप दशांश हवन करोगे तो उसको त्रिभुज हवन कुंड बनाओगे मतलब जो मैंने सिखाया था कि अपने राइट से लेफ्ट पहली लकड़ी उसके ऊपर फिर सेंटर से आपके राइट में दूसरी लकड़ी फिर लेफ्ट टू राइट तीसरी लकड़ी ऐसी नौ लकड़ी लेकर के पहली बार आप दशांश हवन करोगे ठीक है पहली बार जब आप दशांश हवन करोगे तो उसमें आप काला तिल गूगल मिलाओगे ठीक है जब दूसरी बार हवन करोगे तो हवन समिधा को मतलब जो हवन की लकड़ियां हैं उसको गोलाकार भाव में रखोगे और सिर्फ लौंग और गूगल से हवन करोगे हवन करने के बाद कारण यानी शराब की आहुति देनी है कितनी देनी है तीन तीन बार तीन बार मां भगवती काली के नाम पर और तीन बार भैरव बाबा के नाम पर इतना विधान करने से आपके घर जो भी नेगेटिव एनर्जी होगा जो भी तंत्र पर तंत्र होगा वो भाग जाएगा एक बार ये हो जाता है तो दूसरे दिन सुबह में जिस दिन हवन करोगे उस दिन नहीं उसके दूसरे दिन हाथ में जल लेना ठीक है और जपते हुए मतलब एक लोटा में जल लिया हाथ में पानी गिरता जा रहा है और जपते हुए अपने घर के चारों तरफ केंद्र घर के केंद्र से शुरू करेंगे पानी गिराना किसी एक दीवाल से सट जाएंगे और उसके बाद घर के अंदर अंदर बाहर नहीं घर के अंदर अंदर पानी गिराते हुए हम जो है पूरे घर में घूमेंगे तो पहला जब हमने साधना किया और हवन किया तो जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो घर में उसका प्रवेश वर्जित हो जाता है और जब ये जल से हम बंधन करते हैं तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी का पुनः घर में प्रवेश जो है वो वर्जित हो जाता है इस विधान को आप तीन दिन करेंगे घर बंधन के विधान को और जिस दिन जल गिरा उस दिन घर में फिर आप सफाई मत करना ठीक है तीन दिन के बाद फिर आप फ्री हो तीन दिन बाद मतलब ये नौ और तीन ग्यारह दिन ग्यारह दिन जब आप ये विधान कर लोगे उसके बाद आपको अपने घर में एक अजीब सी पॉजिटिविटी दिखेगी सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी जो भी नेगेटिव एनर्जी था वो चला जाएगा और घर अगर आपका डल दिखता है उसमें लगता है कि रोशनी कम है तो फिर आपके घर में उजाला ही उजाला आपको नजर आएगा ये बहुत प्रत्यक्ष होगा ये आप अगर सही आपने साधना किया तो ये हंड्रेड प्रत्यक्ष होगा आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर जुड़ सकते हैं इसमें हम आसन बंधन और जो भी हमारे संप्रदाय में आने से पहले आपको जो विधान जानना चाहिए वो सब आप सीख जाओगे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप ऐप स्टोर और गूगल प्ले से डाउनलोड करिए उसमें रिंद्रनाथ एट थ्री एम फोर सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा अपॉइंटमेंट लेने का विधान आपको डब्ल्यू 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 डॉट अघो तंत्र डॉट एक्साइट डॉट कॉम पर मिल जाएगा उस पर भी आप मुझसे मंत्र विधान ले सकते हैं माँ भगवती और भैरव बाबा से प्रार्थना है कि वो आप सभी को सुरक्षित रखें संपन्न रखें और वृद्धि दे आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश